मैंने कहा था ना उंगली आने का खतरा रहता है। ओह शिट, कहा था ना उंगली आने का बहुत खतरा रहता है इसमें, मुझे धोना पड़ेगा ये। हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी के। मेरा नाम है विवेक, आप देख रहे हैं द स्वराज, और ये वीडियो होने वाली है चेन क्लीन एंड चेन लुब्रिकेंट के लिए। तो मेरे पास है ये मोटूल के प्रोडक्ट आए हुए हैं। ये है मोटूल C2 यानी कि चेन ल्यूब, और ये वाला है मोटूल C1 यानी कि चेन क्लीन। अब देखो, C1 की जगह आप डीजल भी यूज़ कर सकते हो, केरोसिन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आप C1 प्रोडक्ट ही यूज़ करें, क्योंकि ये ज़्यादा सही भी रहता है। क्योंकि देखो, इतना एक्सपेंसिव तो है नहीं, हाँ मतलब 245 रुपये का ये है, लेकिन आपको 200 रुपये तक का मिल जाएगा अमेज़ॉन में, और ये इन दोनों का कॉम्बो मिल जाएगा आपको 500-600 रुपये में। तो आप मतलब अच्छी क्वालिटी तो साथ साथ है इनकी, उसके साथ साथ ये अच्छे प्रोडक्ट है कंपेयर करें डीजल से, या कंपेयर करें हम किसी केरोसिन से, तो उससे तो बेटर है कि आप C1 यूज़ करें, खासकर इस टाइप की बाइक्स पे जो पीछे खड़ी है मेरे पास में। और अब इसकी चेन ल्यूब करेंगे, चेन क्लीन करेंगे, उसके साथ ये ब्रश मुझे इसके साथ ही मिला था, मतलब ये तीन का कॉम्बो है। इसको आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हो। फिलहाल इनसे हम करेंगे क्लीन। ऑलराइट गाइस, तो बाकी वीडियो आपको इस एंगल से दिखेगी, ठीक है। ये मैं बंद कर रहा हूँ, ये ऑन कर रहा हूँ, और यहाँ से अब हम धोएंगे अपनी बाइक को। प्रेशर बढ़िया सही है भाई इसका, देख रहा। ऑलराइट गाइस, तो पानी तो सूख चुका है, और मैंने आधा किलोमीटर बाइक चलाई है ताकि चेन का पानी भी सूख जाए, ठीक है। तो चेन भी थोड़ी सूख चुकी है, देखो धोने के बाद थोड़ा चलानी पड़ती है, उसके बाद ही आप चेन ल्यूब करते हैं, राइट। तो अभी देखो, मीटियोर में जो चेन ल्यूब होती है, ठीक है, यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है कि आप सही से इसको ल्यूब कर सकें एंड क्लीन कर सकें। तो थोड़ा देखते हैं किस तरह से हम करेंगे। और ओके, तो सबसे पहला काम होता है हमारा चेन को क्लीन करना, राइट। चेन क्लीन करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मोटूल का C1, और ये काफ़ी अफोर्डेबल और अच्छा ब्रांड है। इसके ऊपर जाएंगे तो लिक्वी मॉली के भी प्रोडक्ट्स आते हैं, लिक्वी मॉली के थोड़े महंगे होते हैं इनसे। तो अगर आपका बजट है, आपका बजट अलाउ करता है लिक्वी मॉली, देन डेफिनेटली गो फॉर लिक्वी मॉली। बाइक को स्टार्ट करके फर्स्ट गियर में डाल के चेन ल्यूब या क्लीन मत कीजिएगा, मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। मैनुअली करने के लिए हम निकालेंगे चेन क्लीन, ओपन करेंगे, इसमें कुछ इस तरह का नोजल मिलता है, इसको शेक करेंगे, शेक वेल बिफोर यूज़, चाहे वो कॉफ़ी हो या चेन क्लीन। बैड जोक, पता नहीं मैं इतने गंदे जोक क्यों मारता हूँ। ऑलराइट, तो पहले इसको हम अच्छे से यहाँ से, ये देख रहे हो, ये इस तरह से क्लीन कर, ओ माय गॉड दिस इज़ ब्यूटीफुल मैन, जो क्या मस्त तरीके से क्लीन कर रहा है ना। पता नहीं आपको पता लग रहा है, मुझे तो पूरा पता लग रहा है, देखो जहाँ भी मैं छिड़क रहा हूँ ना वहाँ से पूरा क्लीन कर रहा है ये, सो दिस इज़ गुड। और अगर आप घर के अंदर चेन लीव कर रहे हैं या घर के अंदर चेन क्लीन कर रहे हैं, तो नीचे न्यूज़पेपर ज़रूर बिछाना, क्योंकि नीचे बहुत गंदा करने वाला है। मेरा तो खैर ओपन एरिया है, यहाँ पे 10 तरह की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो कोई इतना इशू नहीं है। तो चलो यूज़ करते हैं इसमें ऐसे ही डायरेक्ट, राइट। तो मैंने अच्छी तरह से शेक कर लिया, ये देखो है ना, शेक करने के बाद थोड़ा इतनी दूर से इस पर इस तरह से, ये देखो मस्त तरीके से चेन क्लीन हो रही है, वाओ दिस इज गुड। बट थोड़ा ओके, तो थोड़ा तो हुआ, ये देखो नीचे गिरने लग गया वो, है ना। ऑलराइट गाइस, अब थोड़ा इधर से इसको ड्यूप करते हैं, इसे क्लीन करते हैं। ओके, तो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम हो जाता है, ऑल राइट। तो थोड़ा बहुत तो सही हुआ, पर अभी और करना है, ये देखो नीचे गिरने लग गया ब्लैक ब्लैक, और ये टायर पे भी गिरेगा अभी। ओके, तो उसके लिए मैंने, ओ माय गॉड, ये देख रहे हो हाथ, देख रहे हो, ये मजदूर के हाथ है कातिया, आई एम सॉरी, फिर से बैड जोक। अब हम यूज़ करेंगे ये ब्रश, और ये ब्रश ये देखो इस तरफ से ओपन होता है, तो इस तरफ से यूज़ मत करना,
इसके अपोजिट डायरेक्शन को यूज़ करना, ठीक है। अब देखो इसको मैंने यहाँ फंसाया और चेन को घुमाया, वाओ ग्रेट। आई डोंट नो कैमरा में कितना कैप्चर हो रहा होगा, क्या एंगल आ रहा होगा, लेकिन मेहनत बहुत लग रही है भाई, सच्ची में इतनी मेहनत इंसान तब करता है जब वो किसी चीज़ से बहुत प्यार करता है, और तुम्हें पता ही है तुम्हारा भाई इस चीज़ से कितना प्यार करता है ना। इसको ऐसे ही मैन्युअली घुमाने का है दोस्त, इस तरह से, ये देखो, ओके। अब इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, फिर से चेन क्लीन उठाते हैं। ये हो, ये देखो हाथ देख रहे हो, ओह माय गॉड दिस इज ग्रेट। ऑलराइट फिर से शेक करो, शेक करो, शेक करो, शेक करो, यहाँ से हम थोड़ा इसको डालेंगे अच्छी तरह से, करनी है भाई सब चीज क्लीन एंड लूप, हल्के में नहीं लेना कुछ भी। मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहा हूँ यार, और हो गया ये लगभग हाफ मैंने यूज कर लिया, तो इसमें इतना होगा अभी, तो नेक्स्ट टाइम एक बार और इससे हो सकती है चेन क्लीन। और हाथ देखो यार, देख रहे हो, क्या बात है। अब इस कपड़े की हालत देखना आप, अब इसको यहाँ पे रखना दोस्त, ओह वाओ। और ध्यान से आपकी उंगली ना कटे इससे, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपकी उंगली जो है वो ना कटे, है ना, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये देखो क्या हालत होगी इसकी, ओके। हाँ आई डोंट नो कैमरा का एंगल क्या है क्या नहीं है, बट यहाँ से भी आप ऐसे इसको साफ कर सकते हैं, कपड़े से साफ करना बहुत ज़रूरी है। हम बाप रे जी, हाँ दोस्तों कपड़े से साफ करना बहुत ज़रूरी है। इस ब्रश से आप साफ कर सकते हो, लेकिन ये ब्रश उतना क्लीन नहीं कर पाएगा जितना जादू आपका कपड़ा कर देगा। देसी नुस्खा देसी होता है। ये देखो क्या मस्त क्लीन हो गई है चेन, बस ध्यान से करिएगा आपकी उंगली ना आ जाए उसके नीचे, है ना। तभी बोलते हैं कि बाइक स्टार्ट करके चेन क्लीन एंड चेन लूप नहीं करनी चाहिए, बाइक स्टार्ट करके करोगे तो हाथ फंसने का डर है उसमें, ठीक है, और आप और मैं नहीं चाहेंगे कि हमारा हाथ फंसे, ठीक है, नहीं फंसना चाहिए दोस्त, गंदे हो जाए लेकिन फंसने नहीं चाहिए। ये देखो एक मेरा कपड़ा घुस गया था उसके अंदर, दो बार हो गया मेरा कपड़ा उसके अंदर घुस गया। ओके ओह माय गॉड, हाँ बड़ी मेहनत का काम है, और खासकर उन लोगों के लिए जो नीचे कम बैठते हैं। ओह माय गॉड, हाँ ऊपर से हवा भी नहीं चल रही यार यहाँ पे। हाँ अब देखो इस कपड़े को थोड़ा मैं साइड में रखूँगा। ओह माय गॉड, हाँ ओके। अब इस ब्रश का यूज़ करते हैं, ठीक है, कैसे यूज़ करना है देखो, इसको पीछे से यूज़ करते हैं। इस तरह से यूज़ कीजिए इसको, मेरे साथ कोई कैमरामैन नहीं है वरना आपको सही से एंगल करके दिखाता, ठीक है, लेकिन
सही है, थोड़ा बहुत तो हो गया यार, है ना। और फिर से उसको सामने से पढ़ते हैं सर। अगर ओह फक मैंने कहा था ना उंगली आने का खतरा रहता है। ओह शिट, कहा था ना उंगली आने का बहुत खतरा रहता है इसमें, मुझे धोना पड़ेगा ये। शिट, कट गया भाई। तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से करना दोस्त, ठीक है। मैं कोई प्रो बंदा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, और ट्राई करने में इंसान कटता भी है, और ट्राई करने में बहुत कुछ होता है। आह माय गॉड। तो चेन हो चुकी है क्लीन, अब हम करेंगे इसको ल्यूब। सो दिस इज ओके, सो दिस इज चेन ल्यूब मोटूल का C2। मेरे अंगूठे को इग्नोर करना कोई बात नहीं, थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन कोई भी हो जाएगा ठीक। तो C2 है ये, और इससे हम चेन करेंगे ल्यूब। चेन ल्यूब कैसे करेंगे, वही बात है, कैसे करेंगे, इसको शेक करना है दोस्त अच्छे से, है ना। शेक करो, शेक करो, शेक करो, और स्प्रे करो ऐसे। इस तरह से आई डोंट नो कैमरा में कितना कैप्चर हो रहा है, तो इस तरह से आपको ये ल्यूब करना है। अच्छे से ल्यूब कर देनी है आपको, ओके। हाँ, तो मेरे पास तो लिमिटेशन आ चुकी है, मैं एकलव्य बन गया हूँ फिलहाल। अगेन बैड जोक। तो ओके, तो यहाँ पे तो इससे तो काम नहीं बन रहा, लेकिन कोई बात नहीं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो चेन हम ल्यूब कर देंगे फटाफट। बाप रे, तभी बोलते हैं मेहनत करते रहना चाहिए इंसान को, मेहनत करते करते इंसान आगे बढ़ता है, और चोट खाते खाते ही इंसान आगे बढ़ता है। अब मैं इसी से दबा दूंगा इसको, नहीं इससे नहीं दबेगा यार, ऐसे करना पड़ेगा क्या, ये हिला हिला हिला। और एक सेकंड भाई, ओके। तो इस तरह से सोचो, अगर बाइक स्टार्ट होती तो मेरा तो आज अंगूठा गया था। तो इसलिए बोलते हैं जब भी चेन ल्यूब करें तो इंजन को स्टार्ट करके ना करें, वरना अंगूठा या उंगली जाने का खतरा रहता है, राइट। और ज़्यादा ल्यूब भी नहीं करनी है, ठीक है, जितना सही रहे उतना ही ल्यूब करना, ओके। तो ये ख़त्म हो चुका है, ऑलराइट गाइस। तो मेरा मोटूल का चेन ल्यूब हो गया ख़त्म, इसमें इतना बचा हुआ था आधा, और आधा मैंने पहले ल्यूब करा था। तो इट्स ओवर, इसका साथ यहीं तक, ऑलराइट। तो इसको हम डाल देंगे डस्टबिन में, बिकॉज इट्स ऑफ नो यूज़ नाउ, ओके। हाथ मैले, जिंदगी साफ, ऑलराइट। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मेरी चेन हो चुकी है ल्यूब, काफ़ी डल चुका है। थोड़ा खड़ा करूँगा इसको कुछ देर के लिए, और कल फिर से एक हाथ मारूँगा इसका चेन ल्यूब में, थोड़ा सा हल्का सा ल्यूब करेंगे। और अभी इसको चलाना नहीं है, ठीक है, थोड़ा खड़े करके रखना है। अगर आप चलाओगे तो वो लुब्रिकेंट के जो छींटे होंगे ज़्यादा पड़ जाएंगे आपके टायर्स पे, ठीक है। तो अवॉइड करना फ़िलहाल चलाना, और क्या बोलूँ, बस इतना ही कि थोड़ा ध्यान पूर्वक करना दोस्त काम,
क्योंकि थोड़ा रिस्की रहता है। ठीक है, मैं तो बस बातों बातों में हो गया काम, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, है ना। ओके चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, होता है। फर्स्ट टाइम अगर आप कुछ काम करते हो तो चोट लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये वन टाइम का चेन क्लीन मेरे पास बचा हुआ है, अभी ये वन टाइम यूज़ है, तो इसको हम यूज़ करेंगे लगभग 400-500 किलोमीटर के बाद। ठीक है, लेकिन मैं चेन लूप दोबारा करूँगा एक बार, थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कम पड़ गया है वो, है ना। तो अभी तो हालत नहीं है कुछ और करने की, है ना। अब हम चलते हैं घर। ओके, इसको ऐसे डाल देते हैं। बाइक मेंटेन करना बाइक चलाने से ज़्यादा भारी काम है। बाइक मेंटेन करना अगर इतना आसान होता तो हर कोई महंगी महंगी बाइकें लेके घूम रहा होता, लेकिन बाइक मेंटेन करना इतना आसान नहीं है दोस्त। और एडवाइस तो यही थी मेरी पूरी वीडियो रिगार्डिंग चेन क्लीन एंड इनके मोटूल के प्रोडक्ट। ठीक है, मोटूल के प्रोडक्ट काफ़ी सही हैं, काफ़ी अच्छे लगे मुझे यूज़ करने पर। बस थोड़ा ध्यानपूर्वक करें इस काम को, क्योंकि अगर उसके अंदर उंगली आ गई ना तो समझो गई, क्योंकि उसकी पकड़ बहुत तेज़ होती है दोस्त। वो इतनी भारी सीसी की गाड़ी को चला रहा है, समझ लो, तो उसकी पकड़ बहुत तेज़ है। तो मेरे साथ ये हुआ, आपके साथ ना हो, ऑल दी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। एंड बस यही था पूरा चेन क्लीन। बस आपको ध्यान क्या रखना है, पहले चेन क्लीन करनी है, ब्रश से क्लीन करनी है, उसके बाद कपड़े से इसको पोंछना है अच्छी तरह से, उसके बाद चेन ल्यूब कर देनी है। और ध्यान रखिए ज़्यादा ल्यूब मत करना, ज़्यादा लुब्रिकेशन भी खतरनाक साबित हो सकती है, लाइक बेकार साबित होती है। ठीक है, तो एट द लिमिट थोड़ा थोड़ा यूज़ करना। जैसे मेरे पास ये मोटूल के इतने इतने प्रोडक्ट है, तो इनका हाफ हाफ आप यूज़ कर सकते हो, मतलब एक दो बार आप यूज़ कर सकते हो एक मोटूल की बोतल को। ठीक है, बहुत लोग तो एक ही बार यूज़ करते हैं, आई डोंट नो व्हाई भाई, जब आधे आधे से काम चलता है तो कर लो ना यार यूज़, है ना। अब जिंदगी भर एक ही चैन सेट थोड़ी चलाओगे। ऑल राइट गाइस, तो बाप रे, बड़ी बड़ी शिद्दत के साथ करना पड़ता है सब, है ना। चलो फिर थोड़ा इसको निकालते हैं बाइक को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगी हो, ऑब्वियसली इंफॉर्मेटिव तो लगेगी यार, एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दिया। खैर कोई बात नहीं, तो ध्यान रखिएगा, गियर पे नहीं चलाना है, मैनुअली करना है और ध्यानपूर्वक करना है, बस बाकी कोई टेंशन नहीं है इसमें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर वगैरह तो क्या ही करोगे यार, मतलब शेयर करने लायक वीडियो है तो कर देना यार, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है मुझे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और अभी मैं एक मानसून राइड पे जाने वाला हूँ जल्दी, उसके अलावा क्या यार, उसके अलावा कुछ और मोटो व्लॉग्स आते रहेंगे, वो देखूँगा कितना गंदा हो गया, तो और मोटो व्लॉग्स वगैरह आते रहेंगे, है ना। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही जुड़े रहें और कंटेंट आता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, है ना, हर हर महादेव, जय हिंद।